हेलो फैमिली, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम में मैंने अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। खाने में आज मैं बनाऊँगी, आप देख लेना। अभी मैं बताऊँगी नहीं, जब मैं आप बनाने जाऊँगी तो आप खुद देख लेना। गर्मी का मौसम है बहुत। आज बहुत, कल तो बारिश हुई थी लेकिन आज गर्मी इतनी है कि जो बदन पर घमस है ना, वो निकलना स्टार्ट हो गया है और फुंसी दाने निकलने लगे हैं। आज की गर्मी में इतनी तेज़ गर्मी हो गई है। कल तो राहत थी, आज राहत नहीं थी गर्मी में। तो फ्रेंड्स, अभी ना मैंने दोपहर के बाद में अभी ये कपड़े धोए थे, तो ये कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। कमरे के अंदर ही मुझे डालना पड़ता है इन कपड़ों धोकर, तो मैंने कपड़े तो धोकर सुखा दिए हैं। और अभी शाम का पूरा टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने काम से अभी फिनिश किया है अभी जो काम है, और अभी मैं चलती हूँ किचन में। और किचन का थोड़ा सा काम है, उसमें मैं आप लोग खाना बनाने की तैयारी ना मैं 7 बजे से करने लग जाती हूँ, क्योंकि गर्मी हो जाती है। फिर हम गर्मी के टाइम ना दुकान भी देखनी पड़ती है, और वही टाइम तो हमारा खाना बनाने का होता है, और वही टाइम होता है दुकानदारी का, जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी आते हैं सामान लेने के लिए। तो वही उसी बीच वो भी देखने पड़ते हैं हमको, वो भी एडजस्ट करने पड़ते हैं। और आप घड़ी दिखा दूँ कि शाम का ना 7 बजा है, ये देख सकते हो, और शाम का 7 बजा है। अभी थोड़ा मुझे और भी काम करना है, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ थोड़ा किचन में। और जैसे ये अब धूप वगैरह तो है नहीं अभी, लेकिन बच्चे भी नहीं आए हुए हैं। बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा मुझे उनसे हेल्प हो जाती है दुकान में। जैसे कि इन बच्चों को मैं बिठा देती हूँ इस जगह, तो उनको थोड़ा जैसे कोई सामान लेने आता है तो मेरे को बता देते हैं कि मम्मा सामान दे दो, तो मैं किचन में से आ जाती हूँ सामान देने के लिए बाहर। तो अभी फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ किचन में। किचन में थोड़ा सा काम है मेरा। तो देखो, अभी ना मैंने जो अभी हमारा 5 बजे 4 बजे का चाय जो हम पीते हैं, वो अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ नहीं किए थे, तो अभी वो किचन में पड़े हैं, उनको भी थोड़ा साफ़ करूँगी। और इतना ही ना, 7 बज गए हैं, तो उससे पहले मैं अपना दाल चढ़ा देती हूँ। और आज मुझे बनाना है दाल चावल, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत फेवरेट होता है। और मुझे ना ऐसे ही देखना पड़ता है, जैसे अब किचन में आई हूँ तो ऐसे मैंने देखा है इधर को मुंह करके चेहरा करके, तो ऐसे ही मुझे किचन में से देखना पड़ता है कस्टमर, और उनको भी बराबर किचन में भी काम करना पड़ता है और बराबर मेरे को वो भी देखने पड़ता है, क्योंकि दोपहरी के टाइम तो कभी दुकान नहीं चलती, और थोड़ा चलती है तो सुबह और शाम के ही बीच चलती है। तो उनका भी टाइम है ग्राहकों का, और अब मेरा भी खाना बनाने का है, क्योंकि हमारे घर में ना हमेशा 7 बजे से और 9 बजे के बीच खाना बन जाता है, और वही हमको आदत पड़ी है खाना खाने की। अगर हम 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे के लगभग में खाएंगे तो हमारा जो भारीपन रहेगा और हमारा हजम भी नहीं होगा किसी का भी घर में, और इसीलिए हम लोग जो पहले खा लेते हैं बनाकर 7 बजे से और 9 साढ़े 9 बजे तक बीच खाना बन जाता है, और उसके बाद में हमारा खाना हम सभी लोग बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो हम 10:15 बजे तक हमारा लास्ट 10 बजे तक हमारा खाना हो जाता है। खाना खा पी कर हमारा जो किचन समगाना रह जाता है उसके बाद में, और कभी हम लेट हो जाए तो फिर हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो अभी हम देखो, और मैं यहाँ नीचे रखा है कुकर, और मैं धो के बर्तनों को नीचे ही रख देती हूँ, तो मैंने कुकर निकाल लिया है दाल चढ़ाने के लिए। और कुकर को मैं थोड़ा धो लेती हूँ, और क्योंकि जब धो के रख देते हैं ना बर्तनों को तो उन पर धूल वगैरह जम जाती है, तो थोड़ा उसमें पानी फिराना बहुत ज़रूरी हो जाता है बर्तनों के अंदर। और मैं इसमें दाल चढ़ा देती हूँ, इसके लिए कुकर गैस पर रख देती हूँ, पानी थोड़ा सा डालकर इस पर। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जितना मुझे दाल चढ़ानी है उसी के हिसाब से जितना पानी चाहिए होता है। तो ये दाल चढ़ा दिया, और दाल मैं अभी यहाँ से देख लेती हूँ, और मुझे दाल बनानी है।
दो दाल मिक्स करके बनानी है, एक लाल वाली और एक पीली वाली, जिसे चने की दाल और मसूर की दाल बोलते हैं, तो वो वाली दाल मुझे मिक्स करके कुकर के अंदर डालनी है। तो अभी मैंने चने की दाल डाली है इसके अंदर और थोड़ा सा नमक, साबुत नमक मैं रखती हूँ। तो जैसे दाल वगैरह पतली चीज़ कोई बनाती हूँ तरी वाली, तो उसमें ना साबुत नमक मैं यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा साबुत नमक डालकर मैंने पानी चढ़ा दिया है और ये मैंने पीली दाल निकाल ली है थोड़ी सी। और अभी मैं एक दाल और लेने जाती हूँ बाहर की तरफ, वो भी दुकान में ही रखी है, तो किचन में तो मैं रखती नहीं हूँ ये दाल वगैरह, मैं इसलिए नहीं रख पाती हूँ क्योंकि जगह भी बहुत कम है और मेरी किचन बहुत छोटी भी है, इसमें इतना सामान एडजस्ट नहीं हो पाता है। फिर भी बहुत सारा सामान इसमें एडजस्ट कर रखा है किचन ने। और मैं ये लाल वाली दाल भी ले ली है थोड़ी थोड़ी, दोनों मिक्स जितना हमको यूजफुल है इतना मैं ले लेती हूँ। और अभी जैसे इसको साफ़ करके थोड़ा सा इसमें देख कर, वैसे तो सारी चीज़ें साफ़ ही रहती हैं पर फिर भी हमारा देखने का वो बनता है कि थोड़ा कुछ हो नहीं इसके अंदर, तो मैंने थोड़ा सा ना ये इसमें देखना स्टार्ट कर दिया दाल के अंदर। और जैसे ये मैं देख लूँगी इसमें, और हमारे बच्चे इसी दाल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं इस दाल को। और अगर तुम सिंपल लाल वाली दाल बनाओगे तो नहीं खाएंगे ये बच्चे हमारे, और अधिकतर चने की दाल को बहुत पसंद करते हैं ये। अगर बिना लाल वाली दाल डाले बनाओगे तो भी इतने स्वाद से खाते हैं, बट इतना स्वाद लाल वाली दाल को नहीं खाते हैं ये। तो फिर मैंने ये देख लिया है और दाल बिल्कुल साफ़ है, तो थोड़ा सा ना मैंने ये धो भी लिया है, और धोकर मैं ये गर्म पानी हो गया है कुकर के अंदर, नमक डला और इसमें मैं ये दाल डाल देती हूँ। और दाल डाल के थोड़ा सा जो भी होगा इसमें, नमक मैंने लगा दिया था तो थोड़ा सा ना हल्दी और मिर्च पाउडर लगा कर मैं थोड़ा, और इसको मैं ऐसे ही ढककर इसका कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसको ना थोड़ी देर गैस पर ही पकने दूंगी इसको मैं। और जैसे ही इसमें दो से या तीन सीटी मुझे कुकर को तो कर दिया है बंद और इसके तड़के देने की तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो नीचे से मैं नीचे टोकरियों में रखती हूँ मैं प्याज और लहसुन और थोड़ी चीज़ें रखती हूँ मैं। तो ये मैंने प्याज और लहसुन ले लिया है तड़का देने के लिए, और तड़का मैं 3-4 चीज़ों से देती हूँ, हरी मिर्च और प्याज, लहसुन और टमाटर, ये 4 चीज़ों का मैं तड़का लगाती हूँ। तो मैंने ये और तीनों चार चीज़ें इस कुकर में सीटी आ चुकी हैं, और कुकर में सीटी आ चुकी हैं। मैं इसको खोल कर देख लेती हूँ, दाल बन चुकी है। और दाल का मैंने तड़का देने के लिए ये मैंने लहसुन और प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, और इधर मैंने चावल भी साफ़ कर दिए हैं। तो मैंने सारा सामान रेडी करके रख लिया है और मैं इस कुकर का ढक्कन खोल कर देखती हूँ कि दाल और अभी इसमें से गैस निकल रही है, तो सीटी तो पूरी आ चुकी है कुकर के अंदर। और मैं ना इसका थोड़ा सा गैस निकाल देती हूँ और गैस निकाल कर ढक्कन खोल कर देखती हूँ, थोड़ा सा इसमें देख लेती हूँ। और हाँ, थोड़ा सा इसमें अभी पतला दाल है, और जैसे अभी खड़ी दाल है इसके अंदर, और जैसे ये तड़का दूंगी और कढ़ाई में तो वो नॉर्मल हो जाएगी। तो बस आप ये देखो, और इधर ना मैंने थोड़े से देख
चावल भी साफ़ करके रख लिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कुकर खाली होते ही तो मैं इसमें साथ के साथ दे दूँगी, छः तड़का लगा दूँगी इसमें चावलों में। और ये देख सकते हो आप दाल इस तरह की है। तो अभी और अभी इसमें जैसे थोड़ा अभी ये पकेगी और थोड़ा सा, और इसमें हम मैं हल्दी मिर्च और नमक डालकर इसको उबाल देती हूँ। और जैसे उबल चुकी है ये दाल तो अब इसमें मैं तड़का दे देती हूँ और थोड़ा पकने भी दूँगी इसको, क्यों अब कढ़ाई चढ़ाना है मुझे, कढ़ाई में इसको तड़का लगाऊंगी और कढ़ाई में ही पकती रहेगी थोड़ी देर के लिए। और ये कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है तड़का देने के लिए, तो मैंने ये चालू कर दिया है गैस को भी, और उस वाली गैस को चढ़ा बड़ी पर नहीं, छोटी वाली गैस पर मैं कढ़ाई को रखूँगी, क्योंकि इसका ना और मैं ये थोड़ा सा तेल डाल लेती हूँ कढ़ाई में। और जो भी चीज़ है हम जो सब्जी बनाना है या तड़का देना है हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, और फॉर्चून वगैरह जो करते हैं ना वो हम जो पकवान बनाते हैं ना उसमें यूज करते हैं। और मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और जीरा डाल के ना थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि और गर्मी बेशक इतना हो रही है लेकिन लहसुन बहुत बंदे खाना बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे पर नहीं होता है बंद, ज़्यादा नहीं तो मैं थोड़ा ज़रूर डालती हूँ मैं लहसुन। और मुझे लहसुन सबसे अच्छा लगता है सब्जियों में, बहुत अच्छा लगता है सब्जियों के अंदर, सर्दियों में तो मैं इसका सब्जी भी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ना छोड़ छोड़ ये कैसा है कि दांत मारा है, ये दांत मारा है उसी के हैं, ऐसे दांत तो उसी के हैं, मम्मी कभी रोटी छीलता ना तो इससे ज़्यादा छीलता दांत मारे उसे। और अभी जैसे मैं दाल में तड़का दे रही थी तो बच्चों का ट्यूशन से आने का टाइम हुआ था, तो इसी गली में जिसमें हम रह रहे हैं इसमें एक और भी कुत्ता है, वो पता नहीं बच्चों के ऊपर चढ़ता है जिन क्या करता है, वो आज रचित को उसने दांत मार दिया है। और मतलब मुझे पता भी नहीं लगी, एकदम से जब लड़की आई है तो लड़की ने मुझे बताया है, तो मैं उसके पास में गई हूँ जिसके पास में वो रहता है, तो मुझे एक बहुत टेंशन सी हो गई एक तरह की। तो उसमें ये मुझे ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि उसमें वो कुत्ते ने उसको मितांश को रचित को काटा है, या फिर वो गली में जैसे गिर जाते हैं रगड़ा लग जाता है उस हिसाब से, मुझे कुछ नहीं पता लग पा रही है। लेकिन मुझे टेंशन हो गई है इस चीज़ की कि छोटे वाले जब मितांश था उसको भी काट लिया था छोटेपन में, तो उसको भी इंजेक्शन वगैरह लगवाए थे, और अब फिर ये रचित का भी नंबर आ गया कुत्ता काटने पर, और इसको भी मतलब एक तरह का डर सा बैठ गया है, इतना टेंशन हो गया है। अच्छी वाली मैं खाना बना रही थी किचन में, और किचन में भी मेरा जो वो है मसाला वसाला सब जल गया है उस किचन के अंदर, उसमें कढ़ाई में, ऐसे ही मैं चली गई थी उसको देखने के लिए। तो थोड़ा सा बना देती हूँ, अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। ये देखो जैसे मैंने सुना ना कि कुत्ते ने रचित को काट लिया, तो उस हिसाब से मैं इसको बंद भी नहीं करके गई थी गैस को, तो ये जल गया है मसाला। अभी मैंने आधा ही मसाला डाला था इसके अंदर, और अभी आधा मसाला बाकी है ये वाला, तो अब आफत आ गई, एक तरह से आफत ही है एक तरफ से। और मैंने ये चावल दाल और चावल भी बनाने रख दिए हैं, और बनाने तो रख दिए हैं पर वो मन नहीं था जो पहले वीडियो बनाने में मन था वो अब नहीं है मेरा, और रचित की वजह से। और अभी मेरे रचित के पापा आए भी नहीं हैं, और अभी रात का टाइम है 8:30-9 बज रहे हैं अभी, और अभी उसके पापा आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, तो देखते हैं क्या डॉक्टर के ले जाएंगे इसको, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बस एक तरह का ना एक तरह से
बहुत टेंशन के हो गया, बहुत मूड खराब हो गया एकदम से, और किसी चीज में अब मन भी नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ थोड़ी देर में, जैसा भी है मैं आपको बताऊंगी। रजित को ना पैर पर काटा है कुत्ते ने, और उसका अभी ब्लड भी निकला था, और जैसे ही उसने मैंने उसको देखा ना, और जैसे ही मैं कुत्ते के पास उसको देखने के लिए गई, तो उसने पीछे से ना जाके उसको उस पैर को धो लिया। तो मैंने उसको देखा नहीं और बाद में देखा है, तो जैसे मैं भींच कर देख रही थी तो उसमें ब्लड वगैरह फिर नहीं निकल रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं छिला छिला सा लग रहा था, और मैंने देखा था, आपको भी दिखाया है मैंने, पर कैमरे में दिख नहीं रहा था वो। तो